हर एक इंसान के पीछे कहीं ना कहीं एक कहानियां होती है। लोग वायरल होते हैं या फिर जैसे ही फेमस होते हैं लोग कटाक्ष करने लगते हैं, लेकिन कटाक्ष के पीछे क्या है? जैसे एक अपराधी अपराध करके बना या फिर माँ के पेट से आया, ये लोग नहीं समझते हैं, कहीं ना कहीं उसके अतीत के ऊपर नहीं झाँकते हैं। आज थोड़ा सा इनके अतीत के ऊपर हम जाएंगे। बहुत वीडियो देखा, पूजा ये कर रही है, पूजा वो कर रहे, पूजा ऐसे कर रहे, पूजा कहे के गादी, तरह तरह के लोग आते हैं, चिल्लाते हैं खूब। बिहार का मतलब एक फेमस चीज है कि जो चिल्लाएगा वो बहुत बड़ा पत्रकार कहलाएगा। पूजा जी पहले तो स्वागत है। आपको भी स्वागत है इस चैनल के माध्यम से, जितना भी श्रोतागण देख रहे हैं, मेरा प्रणाम है। पूजा पांडे जी हैं और मैं क्या बताऊँ, पहचान एक अलग छाप छोड़ दिया। और थोड़ा सा मैं आपके बैक जाना चाहता हूँ, पीछे एज क्या है यार? जी 16 साल। 16 साल हो गए। 16 साल शिक्षा दीक्षा जी जो भी है अच्छा ही है। ये क्या होता है जो भी अच्छा है? मतलब हाई स्कूल इंटर भी है? नहीं, ये हम 5 क्लास तक पढ़ेंगे। नहीं तो इसमें बताने में गुरेज क्या है? मतलब है ना, देखिए आज सतयुग से लेके कलयुग से सिर्फ गुण का पूजा हुआ है, ठीक है ना। लाख गुण रहे, लाख खूब पढ़ ले, हम हमारे अंदर कोई गुण ना हो तो उस पढ़ाई का क्या मतलब है? कुछ मतलब तो देख लीजिए, 5वीं पास है। लोग उस जमाने में जब 5वीं पास होते थे तो अपने आप को बड़ा उड़क करते, लेकिन इन्होंने 5वीं पास से न जाने कितने डिग्री वालों को हिला के रख दिया। ऐसा क्यों? ये तो पब्लिक का प्यार आशीर्वाद है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा पूजा जी, घर में कौन कौन है? जी मेरे 2 भाई छोटे छोटे हैं और एक मम्मी और एक हम। पता चला कि आपके दिल में कहीं जी बिल्कुल ये चीज आपको पता, शायद अगर मैं देखिए मनीष, नहीं कोई बात नहीं है, पूछ सकते हैं। मनीष का सब्जी का टीम आए थे लोग, यही सवाल जो आप कर रहे हैं, क्योंकि इतना मीडिया लोग आते हैं कोई सवाल नहीं करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। जे पूजा तुम अभी कैसी हो, ये सब पूछना चाहिए। तो अपना TRP बनाने के लिए सिर्फ आते हैं लोग। देखिए हम जो बोल रहे हैं पहले सुनिए, अपना TRP बनाने के लिए मीडिया लोग इतना आते हैं, माइक लेके आ जाते हैं लोग। मेरे बारे में कोई मीडिया वाले लोग आज तक नहीं पूछे जे पूजा तुम अभी कैसी हो, पहले क्या थी, पूछना चाहिए ना। तो मनीष कश्यप जी का टीम आया था और जितना दवा हुआ हुआ था पूरा फोटो वोटो खींच के लेके गए हैं लो रिपोर्ट। छोड़िए मनीष कश्यप को, मैं अभी मनीष कश्यप पे बात भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जर्नी से मैंने कहा ना कि थोड़ा सा मैं आपके जर्नी की तरफ जाना चाहता हूँ। इनको देखकर सीखिए, एक गरीब घर से बिलोंग करती हैं और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं, एक फिल्म मैं देखा करता था, उस फिल्म में लगता था कि दिल का खेद हो जाता है तो बड़ा उथल पुथल हो जाता है, ऐसा कुछ है। लेकिन दवा तो चल रहा है अभी तक तो ठीक ठाक है, अभी ठीक है ना जी। यही जानना चाहता था, जिस तरह से है कभी लोग बताते हैं कि बताना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात से आप अवगत हैं कि नहीं? मैं बस ये जानना चाहता हूं। नहीं, कहने का मतलब है हम तो सब किसी, मान के चलिए हमें कोई बीमारी है तो हम तो किसी से बताते नहीं फिरेंगे। नहीं नहीं बताने के, देखिए कहीं ना कहीं देखिए खुशी के पल में सभी लोग आ जाते हैं। जैसे आज वायरल हुई तो मैं भी चल के आया, सुन लीजिए, अब मैं अपने लिए आया हूँ ना कि पूजा के लिए आया हूँ। लेकिन पूजा जो समय दे रही है ये बहुत परिपूर्ण है। दूसरी चीज, आपके जो दुख के पल रहे होंगे वो कैसे कैसे कटे होंगे ये मैं जानता हूँ, बोलू भली बात कोई जाने चाहे। क्यों मैं आपके अतीत के ऊपर जाना चाहे, मैं भी आके नहीं कहता यही पूजा है यही पूजा है, जी, जी। ऐसा नहीं कह लेता मैं जी, कह लेता नहीं। आप समझदार आदमी है तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 5वीं पास से बताया ना कि ना जाने कितने डिग्रियों पे आप तमाचा मार दिए, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। अब तो सेहत ठीक है जी? अभी तक तो दवा चल रही है, अभी तक तो ठीक ठाक है। दवाएं डॉक्टर बाहर जी, जी पटना से दवा चल, पटना से अभी ठीक है जी। गाना वाना गाती है? चूंकि गाना हृदय से ही गाया जाता है दिल जी से बिल्कुल। तो जब से दवा चल रहा है अभी तक तो ठीक ठाक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है अभी ठीक ठाक जी। चलिए हम दुआ करेंगे और भगवान से कामना करेंगे कि पूजा पांडे बहुत अच्छी रहे और अपने परिवार में चमकती रहे, मैं हमेशा दुआ करूँ। मेरा घर का जो परिस्थिति था हमें भी देख के बहुत ही कठिनाई के सामना हम किए और मेरे घर के लोग भी जो कठिनाई के सामना किए शायद उसी में के हम भी हैं। तो जितना वो लोग का कष्ट हुआ हम तो वो लोग से छोटे उम्र में हैं,
हमें भी बहुत ही तकलीफ हुआ, तब ये सब हम करना शुरू कर दिया। तकलीफ होता था, गरीब घर में पैदा हो जाना, जरूरत की चीजें ना मिला, दवाएं ना मिली, जी ये बहुत काफी तकलीफ। तब तो कोई नहीं आता होगा जी, नहीं पूजा पांडे, मैं दवा मैं दूंगा, पूजा पांडे यही है कि नहीं जी? तो आज तक तो कोई पूछ भी नहीं करते हैं लोग, इतना मीडिया लोग आते हैं शायद। आज आज मीडिया जी, आज आज लमसम सुबह से हम इंटरव्यू दे रहे हैं। 51वां होगा कह लीजिए, उसमें कहने में गुरेज नहीं है पुजारी जी, मैं समझ रहा हूँ। देख लीजिए यही कहानी है, अक्सर लोग बने के सभी लोग साथी होते हैं और बिगड़ने के बाद कोई नहीं साथ। आज पूजा बिगड़ गई होती तो कोई पूछने तक नहीं आता, तमाम आपके गांव गिराव आपके अगल बगल पूजा हजारों पूजा होगी, लेकिन आज पूजा ना होती धरती पे। लेकिन भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सबको आगे बढ़ाए। अच्छा लगा जी, अब तो परिवार में बहुत खुशी होगी। हाँ बहुत ही खुशी है, लेकिन आप सही हो जाए और हम कामना करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हमने लोग फोकस करते हैं, अब बार बार लोग आके कहते हैं फोकस करिए, तो आज हम भी फोकस करते हैं, क्योंकि आपके जर्नी में जानना चाहता था घर में कौन कौन है कैसे, तो आपने बता दिया। तो अब थोड़ा सा मनीष कश्यप को लेकर हम लोग बात करें। जी बिल्कुल। तो